सर अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। बेटा ये मत कर मेरे भाई, प्रयास ये करो कि कम से कम भाई कल की क्लास भी नहीं हुई तो ऐसे जब भी क्लास ना होते तो बल्कि मौके की तरह ऐसे कामों को, ऐसे दिनों को इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए बेटा, प्रयास करो पूरा हो जाए। हालांकि रिकॉर्डिंग का समर्थन आपके साथ रहेगा, पर कोशिश करो बेटा कि रोज का काम रोज निपटे ताकि उससे रिलेटेड डाउट्स तो पूछ पाओ। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, खैर प्रयास करो बच्चों, रोज का काम रोज निपटाओ। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बच्चों अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ये समझ लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फादर थे, जिन्होंने थ्योरी दी, वो थ्योरी क्या कहलाती है बच्चों? कौन से पॉस्टुलेट्स थे वो? वर्नस, वर्नर्स पॉस्टुलेट। वर्नर ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। हाँ, उसके बताने का तरीका था, उसने कहा था भैया दो प्रकार की वैलेंसी होगी, एक आयनाइजेबल जिसे प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे और एक नॉन आयनाइजेबल जिसे सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। अब उसके बाद सर ये जो मॉडर्न थ्योरी का रूप लिया गया, ये रूप लेने में किसने मदद की बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आगे की समझ पे हो। अच्छा सर, कोई भी एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बना के कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बारे में जानकारी कौन देता था? इसके बारे में जानकारी देने का ठेका उठा के रखा था केमिकल बॉन्डिंग बनाने वालों ने। केमिकल बॉन्डिंग जो थी वो किस थ्योरी पे आधारित थी सर? जब एटम को हम सही तरीके से जान पाए, एटम को हम सही तरीके से जान पाए क्वांटम मॉडल की मदद से। और क्वांटम मॉडल ने हमें मदद की कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि अपने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराना चाहता है। ये कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, VBT कहलाती है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी समझने के लिए वर्नर के बाद आगे बढ़ाया और समझा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए क्या कहा, तो बात करते हैं हम। सबसे पहली बात सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ें क्यों? तो कि वर्नर थ्योरी के कुछ कुछ लिमिटेशंस होंगे, जैसे हमने VBT केमिकल बॉन्डिंग में भी तब पढ़ी थी जब हमने ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस बताए थे। अब तो सर वर्नर थ्योरी तो बढ़िया बात कर रही थी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज से, तो आगे उसमें दिक्कत क्या आई सर लोगों को? तो ये भी आपको थियोरिटिकली पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कैपिटल ए यहाँ पे यही है कि क्या कमियाँ थी, लिमिटेशंस क्या थी वर्नर्स थ्योरी की। तो पहला लिमिटेशन है कि वो थ्योरी नहीं बता पाई थी कि मेटल ही क्यों कॉम्प्लेक्स बना पाता है। भाई हमेशा मेटल के साथ ही क्यों आने वाले लोग, जिन्हें प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसीज कहा गया था, वो मेटल की जगह बीच में नॉन मेटल क्यों नहीं आ सकता, इसका कोई जवाब नहीं था वर्नर के पास। हालांकि आज हमारे पास है, उस जमाने में नहीं था। तो पहला दिक्कत ये थी कि नॉन मेटल क्यों नहीं बनाते भाई। दूसरी बात, वर्नर को दूसरी बात लिमिटेशन बनाई गई कि वर्नर ये नहीं बता पाया कि जो केवल सेकेंडरी वैलेंसी ही क्यों डिसाइड करती। भाई जुड़ी तो सेंट्रल एटम से प्राइमरी वैलेंसीज भी हुई है। हाँ मान लिया वो आयनाइजेबल हैं, लेकिन आयनाइज होने के पहले तो जुड़ी हैं, जुड़ी हैं तो ज्योमेट्री डिसाइड करवाओ भाई, क्योंकि आने वाले लोग तो आपस में रिपल्शन करेंगे। तो वर्नर ये भी नहीं बता पाया। नेक्स्ट तीसरा लिमिटेशन था वर्नर थ्योरी का कि ये इन मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बता पाया। अभी आगे देखेंगे, एक्चुअली ये VBT बता ली तो उसके लिमिटेशन में आ गया। एक्चुअली क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब और क्या, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख के आज के ज़माने में, आज की ज़माने की थ्योरी के बाद आप ये बता सकते हो कि भाई साहब पैरामैग्नेटिक होंगे, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे, या डायमैग्नेटिक फील्ड होंगे, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। तो उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आज के तारीख में हम आज की थ्योरी के आधार पर बता सकते हैं, वरना एग्जामिन नहीं बता सकते। तो ये लिमिटेशन हो गया। अच्छा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या अर्थ है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से सिर्फ मत रिलेट कर दो। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का एक्चुअली बेसिक मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब दिखना, लाइट्स दिखती है ना। तो एक्चुअली मैंने बोला भी आपको कई बार, अभी जो जो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के केस में कलर पढ़े थे, मैंने कहा था कलर याद मत रखना, एडवांस में पूछे जाते हैं। हाँ लेकिन बोर्ड लेवल तक इतनी बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। बेटा जनरल सच्चाई पता है क्या है? जनरल सच्चाई ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन जनरल ये रंगीन ही होते हैं। तो भैया क्यों रंगीन होते हैं भाई? उनकी ऑप्टिक दिखाने की, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाने की इतनी क्षमता क्यों है, उसके कुछ रीज़न है? ये वरना नहीं बता पाया था आज की तारीख में हम जानते हैं। ये सब लिमिटेशंस हो गए थे। आइए उन लिमिटेशंस को दूर करें, और उन लिमिटेशंस को दूर किया हमने VBT से। तो VBT क्या थी सर? एक थ्योरी है, मतलब इसके भी कुछ प्रपोजल होंगे
जो कि दुनिया मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो कंट्राडिक्शन बताओ। तो कुछ प्रपोजल्स जिसे हम साइंस की भाषा में पॉस्टुलेट्स कहते हैं, जो कि आपको थ्योरेटिकली पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि भैया देखो, एक तो मेटल आयन होगा, और जो मेटल आयन होगा, मेटल होगा एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसका सेंट्रल एटम या तो मेटल होगा या आयन होगा, और वो अपने एन माइनस वन डी एन एस एन पी या एन डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा। कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वी बी टी ने भी कहा था कि कभी भी सेंट्रल एटम आने वाले कंबाइनिंग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम अपने सारे के सारे वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स को मॉडिफाई करके सबको इक्वल एनर्जाइज्ड इक्वल शेप का बनाएगा, ताकि आने वाले को बराबरी का एहसास हो। वही इसने भी कहा भैया हाइब्रिडाइज होंगे सेंट्रल एटम, मतलब मेटल या एटम या आयन के ऑर्बिटल्स। अब हमको डी ब्लॉक से पता है कि सर अगर किसी का ns ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो n माइनस वन डी भी करेगा। क्यों? क्योंकि ns और n माइनस वन डी के एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, ये भी लगभग बाहरी ऑर्बिटल की तरह ही बिहेव करता है। आपने डी ब्लॉक से जाना हुआ है। हेलो, अच्छा, तो एक बस बात आ गई कि अंदर का डी और बाहर वैलेंस शेल के तो करते ही हैं सारे के सारे ऑर्बिटल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रपोजल उसका था कि भैया हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ये हमको पता ही, हाइब्रिडाइजेशन होता ही यही है, वो इंग्लिश लिख रहे हैं लेकिन, कि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री आर प्रोड्यूस्ड। मतलब हाइब्रिडाइज होने के बाद ये सारे ऑर्बिटल्स, कोई ns नहीं कहलाएगा, कोई np नहीं कहलाएगा, ये सब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएंगे, जिनकी सबकी एनर्जी शेप साइज सब बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। तीसरा प्रपोजल है, पॉस्टुलेट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि भैया दीज और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप विथ लिगेंड ऑर्बिटल्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। अब यहाँ से बच्चों, एक्चुअली वर्नर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की बात ही नहीं कही थी, यहाँ से वो बात होने लगी। बोला कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे ना, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आने वाले कंबाइनिंग एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेंगे। इसको इसने कहा कैसे, कि दीज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भले खाली हों, लेकिन अगर किसी को आना है तो इसके क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भले खाली है, और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरलैप होना पड़ेगा। वीबीटी तो ओवरलैप की बात कहती थी, और किसके साथ ओवरलैप करेगा? लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ। लिगेंड्स कौन है? लुइस बेसिस, जो अपने इलेक्ट्रॉन देने चाहेंगे। तो कहता है विच डोनेट, देखो डोनेट का शब्द आ गया ना, शेयरिंग का नहीं आया, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की बात कह दी गई। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट बस बेटा, पॉस्टुलेट्स यहीं से समाप्त होते हैं। उसके बाद सीधा जो नेचर में कॉम्प्लेक्सेस देखे गए, वो कॉम्प्लेक्सेस के कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे VACPR थ्योरी लगा दी गई। VACPR थ्योरी भी VBT का हिस्सा है, और VACPR थ्योरी जो कि VBT का हिस्सा, वो कहती है कि कंबाइनिंग एटम हाइब्रिडाइज करने के बाद, सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज करने के बाद जब कंबाइनिंग एटम से बॉन्ड बनाएगा, तो कंबाइनिंग जो भी लिगेंड्स होंगे वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपने रिपल्शन को मिनिमम रखना चाहेंगे, तो कुछ शेप अक्वायर कर लेंगे। अच्छा, इन जनरल जो कॉम्प्लेक्स मिलते हैं बच्चों, सेंट्रल एटम के साथ या तो चार लोग होते हैं, या तो पाँच लोग होते हैं, या तो छः लोग होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन में चार पाँच छः की बात की है मैंने। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्लेवर ये है कि सेंट्रल एटम जो है वो डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक वाला अपना एन माइनस वन डी भी यूज़ कर सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के ना ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्या? कभी चार के केस में या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। देखो ऑर्बिटल्स चार ही यूज़ हो रहे हैं बच्चों, देखो बाहरी s और बाहर के तीन p, या तो एक अंदर का d, एक s और दो p, कोऑर्डिनेशन नंबर चार, स्टेरिक नंबर चार ही है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 होगा, शेप स्क्वायर प्लेन होगा। क्यों? मैं चर्चा करूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पाँच हुआ, हाइब्रिडाइजेशन केवल एक देखी गई नेचर में, sp3d, शेप ऑब्वियसली एक है तो एक ही आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हमको पता भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर छः है तो sp3d2 तो सुनना हमको अच्छा लगता है, ऑक्टाहेड्रल सुनना अच्छा लगता है, लेकिन d2sp3 यानी कि अंदर के दो डी कई केसेस में भी यूज़ होते हैं, तो छः में अगर अंदर के दो डी यूज़ हो गए तो बाहर का एक एस और तीन पी लगेंगे। ऐसे केस में भी शेप नहीं चेंज होता है, ऑक्टाहेड्रल ही रहता है। क्यों? हम इसकी भी चर्चा करेंगे। पर ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि कॉम्प्लेक्सेस में नेचर में पाई गई, ये VBT ने अपने पॉस्टुलेट में डाल दिया। आगे बढ़ जाऊँ, तकलीफ किसी को? आइए, अब ये जो बातें मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊँगा, उसको दूर करता हूँ कैसे, एप्लीकेशन बता के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ VBT की, कैपिटल C में।
ये एप्लीकेशन की बात हम प्रिसाइज होके करेंगे, तो हम पॉइंट नंबर वन वहाँ पे लिख रहे हैं, हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आइए 6 की चर्चा करें, क्योंकि नेचर में यही पाए जाते हैं 4, 5, 6 वाले, है ना। 6 मतलब 6 लिगेंड्स आए हैं, कंबाइनिंग डोनर एटम 6 हैं। आइए इसको देखें, तो कहता है जब कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 6 डोनर एटम आएंगे ना, तो इतना आपको शायद केमिकल बॉन्डिंग से पता है, नहीं पता तो सुन लीजिए बेटा, जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो यही होगा कि सब कोऑर्डिनेट एक्सेसेस के अलोंग आ जाए, मतलब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ये एक प्लेन में हो जाएगा, और ऊपर पॉजिटिव जेड नीचे नेगेटिव जेड, तो ये तो सर ऑक्टाहेड्रल ही कहलाता है। हाँ, तो ऐसे केस में बेटा केवल ऑक्टाहेड्रल का ही केस आएगा। अच्छा, आगे अब सर हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार की कैसे हुई? शेप तो हम समझ गए सर, 6 आएंगे तो चाहे जो हो आएंगे हमेशा ऑक्टाहेड्रली, लेकिन सर हाइब्रिडाइजेशन ये चेंज कैसे हुई? कभी sp3 d2 कभी d2 sp3, ये क्या है सर? आइए देखें, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स की मदद ले रहे हैं। तो एग्जांपल है भाई, मैंने आपको बोला ये सब बातें नेचर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेके ही थ्योरी प्रपोज की गई। तो जो हम पहले एग्जांपल से इस बात की चर्चा कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किए, कॉम्प्लेक्सेज उठाए, और जो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है कोबाल्ट का 6 अमोनिया के साथ चार्ज +3 है, ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन था इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमने चेक किया। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या था बोलना पड़ेगा, अरे क्या था, मतलब गौर कर रहे हो बेटा? VBTE जब कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर रही है तो आपसे डिमांड कर रही है आप उसका मैग्नेटिक बिहेवियर उसको बताओ। हेलो हेलो, यस सर, मतलब उसने कॉम्प्लेक्स के साथ साथ उसका मैग्नेटिक बिहेवियर मेंशन किया है, तब VBTE अपनी मॉडलिंग कर रही है। आइए मॉडलिंग कैसे कर रही है देखते हैं, हमको ये बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, तो आइए बात करते हैं VBTE के हिसाब से। कहता है देखो सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, अच्छा अब वर्नर थ्योरी का एक लिमिटेशन यहाँ से दूर हो गया कि भैया मेटल यानी कि डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं और वही ऐसे हैं जिनमें खाली डी ऑर्बिटल होने की संभावना ज़्यादा है। खाली डी ऑर्बिटल होंगे तभी ना कोई खाली ऑर्बिटल अपने लोन पर आके लिगेट करेगा यानी कि डोनेट करेगा। तो ये वाली बात कि क्यों डी के ही बनाते हैं, शायद उसका जवाब आ गया कि भैया खाली ऑर्बिटल संभावना उन्हीं में। अच्छा, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो 18 4s2 3d7, ठीक है सर। कॉन्फ़िगरेशन देख लो, भले हम 4s पहले भरते हैं क्योंकि हाफ बाउ रूल के हिसाब से भरते हैं, पर सर लेन देन तो अंदर बाहर ही के हिसाब से होता है, इसलिए डब्बा मैंने 3d अंदर बनाया, 4s बाहर बनाया, ठीक है। 4s में 2 भर दिए, 3d में 7 भर दिए। क्या कोबाल्ट बॉन्डिंग कर रहा है? नहीं सर, कोबाल्ट का +3 का स्टेट बॉन्डिंग कर रहा है। कैसे पता? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कोबाल्ट का नहीं पता, एक्स ये 0 चार्ज है +3, तो कोबाल्ट पे चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अच्छा, मतलब सर कोबाल्ट को मत देखो, कोबाल्ट +3 को देखो, तो नेक्स्ट लाइन से हम कोबाल्ट +3 लिखेंगे। अच्छा, ये सब आना चाहिए आपको लिखते, बोर्ड्स भी एक्सप्लेनेशन मांगता है ना थ्योरेटिकल सवालों में। कोबाल्ट +3, मतलब सर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तब हमको डी ब्लॉक से पता है सर, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? बाहरी, तो बाहर के 4s के 2 चले गए। अच्छा, कितना और? अब एक 3d का जाएगा, कौन सा? जो पेयर्ड है, तो एक ये चला गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मतलब 3d में बचे 6, 4s में बचा 0, लेकिन ये कोबाल्ट +3 की हो गई ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्यों? अरे क्योंकि सर कोबाल्ट +3 के पास अब ना लोग आएंगे, जब लिगेंड्स आएंगे तब ना वो एक्साइट होगा, तो फिलहाल तो वो एक्साइटेड नहीं है, मैंने तो अकेले कोबाल्ट +3 की बात की। तो कोबाल्ट +3 के कॉन्फ़िगरेशन तो किसको तकलीफ? ठीक है, कोबाल्ट +3 को इसने लिख भी दिया है आर्गन 18 3d6, ठीक है। अब सर लिगेंड्स आए, कोबाल्ट एक्साइट हो गया। अच्छा, एक्साइट होके वो क्या बना? देखो VBTE रिक्वायर कर रहा है, वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना है, तो ये मन में याद रखना। अच्छा, तो VBTE ने कहा कि अच्छा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ओके। कहता है ज़रूर कोबाल्ट के पास जब 6 अमोनिया आ रहे होंगे तो उनको देख के वो एक्साइट हुआ होगा। अच्छा, अब एक्साइट होके कोबाल्ट ऐसा क्या करे कि वो डायमैग्नेटिक बन जाए? तो VBTE ने कहा बेटा देखो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चों, याद करो 3d6 याद है, पीछे लिखा था ना कोबाल्ट +3 का। अब तुम बताओ बच्चों, अगर इसको डायमैग्नेटिक बनना है 6 अमोनिया के आने से, तो एक्साइट होना पड़ेगा। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में इसको क्या करना पड़ेगा? VBTE ने कहा इसको
आने वालों को जगह देने के लिए. अच्छा, आने वाले कौन है बच्चों? लिगेंड्स. लिगेंड्स कौन है? लिगेंड्स वो हैं जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं. हेलो, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कैसा केंद्र बच्चों? माइनस का केंद्र. अच्छा, कोबाल्ट के खुद के इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये भी माइनस. क्या माइनस माइनस रिपेल करता है? अच्छा, तो उसने कहा कि जब आने वाले लिगेंड्स आएंगे, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स ये जो बन रहा है ये डायमैग्नेटिक बन रहा है, तो उसने कहा कि हुंस रूल के अगेंस्ट. हुंस रूल क्या होता है? हुंस रूल होता है कि पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सारे के सारे सिंगली फिल्ड ना हो जाए. हेलो, तो अगर ऐसे केस में मुझे छः भरने थे तो ये हुंस रूल ऐसे भरवा रहा था. उसने कहा नहीं 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 नहीं, जब आने वाले कंबाइनिंग लिगेंड्स आएंगे और क्योंकि कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक बन रहा है, तो डायमैग्नेटिक में बच्चों क्या होता है बताइए? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, होता है ना? तो उसने कहा आने वाले भी माइनस, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी माइनस, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक बन रहा है तो इसको हुंस रूल के अगेंस्ट जाके, क्योंकि रिपल्शन तो महसूस कर रहा है, तो रिपल्शन महसूस करके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर समेट लेगा. क्यों? आने वालों से रिपल्शन मिल रहा है, कहेगा चलो चलो अंदर आओ. अंदर आओ मतलब, अंदर आओ मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन हटा, ये पेयर हो गया. ये इलेक्ट्रॉन और हटा, अंदर पेयर हो गया. इससे बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो गई? ये सारे के सारे पेयर्ड हो गए, लेकिन हुंस रूल के अगेंस्ट. लिखा भी है, टू मेक डायमैग्नेटिक कॉमा फोर्स्ड पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. हमको दिख गई फोर्स पेयरिंग बच्चों? हेलो, देखो उसने यहाँ पे 3D में पेयर कर दिया. अब आने वाले कितने हैं बच्चों? 6 अमोनिया. हेलो, 6 अमोनिया क्या कर रहे हैं? 6 अमोनिया अपने अपने लोन पेयर लेके आ रहे हैं, उनको तो केवल खाली जगह चाहिए. अच्छा, जैसे ये हुआ तो क्या 2D खाली हो गए? तो 1 अमोनिया आके कोऑर्डिनेट किया इस पे, फिर इस पे, 2, 3, 4, 5, 6. तो तुमको कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ज़रूरत है? 6. कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाओगे? 6. लेकिन वो 6 के 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? अंदर के 2D फिर sp3, यानी कि वो d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे. बात समझ में आ रही है? d2 क्यों ले लिया हमने? क्योंकि खाली हो गया, और खाली कौन सा? वो अंदर वाला. अंदर वाले की एनर्जी कम है, मतलब स्टेबल ज़्यादा है, तो उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा. हेलो, अच्छा, लेकिन ये जब 6 के 6 अमोनिया आ जाएंगे तो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? ऑक्टाहेड्रली. क्यों? क्योंकि 6 लोग की असेंबली ऑक्टाहेड्रल ही संभव है, बेस्ट पॉसिबल केस. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? d2sp3. हेलो, चलिए, तो VBT ने ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को समझाना शुरू कर दिया. और सर कुछ एग्जांपल समझाओ हमने. देखो बेटा, जैसे कि VBT अब कोशिश कर रही है, VBT को एक्सप्लेन करना है कोबाल्ट F6 पे 3- का हाइब्रिडाइजेशन, कि ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है. VBT पूछी, चलो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ. तो बताया गया पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है उसका, ये है, बताओ कैसे बना. VBT कहेगी कोई बात नहीं, कहेगी देखो सेंट्रल एटम कौन है? लोग कहेंगे कोबाल्ट. कहेगी बेटा उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो. फिर VBT कहेगी भाई कोबाल्ट का स्टेट क्या है? तो आप चेक करोगे +3 है. तो VBT कहेगी +3 का दिख लो. हमने लिख दिया 4s0 3d6. कोई तकलीफ? फिर VBT पूछेगी कि चलो ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हमने तो 3d6 बना दिया. कैसे बनाया 3d6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा, फिर VBT ने कहा भैया मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ. तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो पैरामैग्नेटिक ही है. तो VBT ने कहा अच्छा पैरामैग्नेटिक है, कोई बात नहीं, अगर पैरामैग्नेटिक है तो बताओ आने वाले वाले आ रहे हैं पर इस पास खाली ऑर्बिटल है ना? खाली S भी है, P भी है, D भी है, आगे के खाली हैं कि नहीं है? आगे के खाली हैं. तो बोला अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ इसका, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक. लोगों का पैरामैग्नेटिक है. क्या पैरामैग्नेटिक मतलब? आने वाले रिपल्शन जरूर करेंगे पर उनका रिपल्शन इतना भी नहीं हो पाएगा कि इसको अंदर समेटना पड़े. तो ये नहीं
फोर्स पेयरिंग नहीं होगी, क्यों? आने वाले का रिपल्शन होगा पर उसकी औकात इतनी नहीं होगी। हेलो, तो फोर्स पेयरिंग नहीं होगी। तो वीबीटी ने मैग्नेटिक बिहेवियर की मदद लेते हुए ये प्रिडिक्शंस करने चालू कर दी कि भैया फोर्स पेयरिंग नहीं होगी। अच्छा नहीं होगी तो ऐसे कैसा रहेगा सर, तो आने वाले छः कहाँ आएंगे? अरे यार कमी थोड़ी है, 4s में चला जाएगा एक, 4p में चले जाएंगे तीन। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि भैया CO F6 3- पैरामैग्नेटिक है, ये कैसे बनता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वीबीटी को बोला गया, वीबीटी समझाओ। वीबीटी ने कहा देखो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, वीबीटी ने कहा देखो कोबाल्ट प्लस 3 के स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों, 3D 6। अब 3D 6 में वीबीटी ने पूछा कि कोबाल्ट वाले इधर आओ, बोला क्या है, बोला पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब वीबीटी का मतलब इसे यहाँ फोर्स पेयरिंग की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बंदा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, नहीं है। तो लोगों ने कहा आने वाले कहाँ जाएंगे? अरे बोला अरे यार आगे वाले ऑर्बिटल हैं, तो बोला कौन से? बोला भाई तुमको कितने आने? बोलेंगे छः, कह दो एक एस में आ जाओ, तीन पी में आ जाओ और दो डी में आ जाओ। तो हाइब्रिडाइज भी किसको करने की जरूरत है? एस, तीन पी और दो डी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp3d2। हेलो, तो अच्छा छह लोग आएंगे तो VACPR ने कहा भले छह आए, d2sp3 हो या sp3d2, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस विच दिस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स कैन अक्वायर इज ऑक्टाहेड्रल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर कोई चीज अगर डायमैग्नेटिक है तो रिपेल होगी, लेकिन अगर अट्रैक्ट होती है ना तो अट्रैक्ट होने की शिद्दत देखी जा सकती है। कैसे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से, ये आपको डी ब्लॉक से पता है। उस शिद्दत को देखने का जो टर्म है वो कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट, विच इज़ अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ऊपर देखो कोबाल्ट में तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? चार, तो चार इन मतलब अंडर रूट 624 बच्चों, अंडर रूट नहीं लगा इसने। कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों वीबीटी ने कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शेप और वो कैसे बनते हैं आने वाला कोऑर्डिनेट करता है। और सिर्फ मेटल के साथ क्यों बनते हैं? क्योंकि मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कुछ जानकारियां हैं एक्स्ट्रा, आइए देख लें। नोट वन लिखा है, नोट वन में लिखा है भैया जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल मतलब बच्चों जिनके केस में अंदर का डी यूज हुआ है, आर फॉर्म्ड विथ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर पता ही है। एंड सिंस दे हैव रिलेटिवली लेसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर क्यों लेसर होंगे? अरे यार इनर का डी यूज हुआ होगा मतलब फोर्स पेयरिंग कराई होगी। हेलो हेलो हेलो, अरे सर फोर्स्ड पेयरिंग कराओगे तो जो अनपेयर्ड थे वो ही ना पेयर होंगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो घटे जाएंगे। और क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो ये इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। कोई तकलीफ? उल्टा कहता है जो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनमें sp3d2 होती है, जिनमें बाहर बाहर का d लगता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली हायर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स पेयरिंग नहीं हुई होती है, इसलिए उन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी इंग्लिश में कहा जाता है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली बात तो समझ में आ गई कि sp3d2 और d2sp3 कैसे हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चलते हैं। 5 क्यों नहीं बढ़ा रहे सर? अरे 5 में ऑप्शन ही एक ही है ना, क्या sp3d नेचर में उल्टा कुछ देखा ही नहीं गया तो पंचायत करने की जरूरत नहीं। 5 लोग आएंगे तो एक एस, तीन पी, एक डी। अच्छा सर इनमें ऐसा कुछ नहीं होता इनर ऑर्बिटल वाला? नहीं बेटा नेचर में पाया नहीं जाता, तो खाए पंचायत करें, हमारा केमिकल बॉन्डिंग जिंदाबाद है होगी। हेलो हेलो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पंचायत करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल पंचायत है। क्यों? क्योंकि सर इसमें जब अंदर का डी यूज होता है ना तो शेप ऑफ बदल जाता है। क्यों मास्टर? आइए देखें एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला है हाइब्रिडाइजेशन, हमको बताना है। ऑब्वियसली वीबीटी बता रही है तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बिना बता ना पाएगी। तो कहेगी पैरामैग्नेटिक निकल का 4 क्लोरीन के साथ 2- का एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अच्छा
वी बी डिन करने रे सेंट्रल एटम कौन बोला निकल, निकल में कितने 28, तो भैया 4s2 3d8 न रे निकलते हैं कौन से स्टेट में आए प्लस टू, ठीक है निकल प्लस टू, कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s के ही दो जाएंगे, भले पहले बार रहता है तो बाहर ही, बचेगा क्या 3d8, कोई तकलीफ 3d8 को देख लो एक बार, मैं 3d8 आपके लिए खुद बनाता हूँ, 3d8 क्या ही बनाता हूँ, ये बना हुआ है। अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ बच्चों क्या लिखा है इसका इंग्लिश में, आपको पैरामैग्नेटिक लिखा है सर, पैरामैग्नेटिक मतलब फोर्स पेयरिंग की जरूरत है, आप बताओ नहीं है सर, पैरामैग्नेटिक है तो कहाँ ढोंसेगा, नहीं ढोंसेगा तो नहीं ढोंसा, 1s 3p हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 cl घुस गए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, क्यों टेट्राहेड्रल, अरे यार सेंट्रल एटम के गिर चार लोग आते हैं तो टेट्राहेड्रल ही ना होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। हेलो अच्छा फिर से वही बात भैया, पैरामैग्नेटिक तो मैग्नेटिक मूवमेंट, अरे यार अनपेड इलेक्ट्रॉन दो हैं तो 2 × 2n+2 अंडर रूट 8 बोर मैग्नेट्रॉन, तकलीफ नो सर, सर ये एचओ क्या लिखा है, हाँ एचओ लिखा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भैया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। चलो नेक्स्ट अगला और एग्जांपल बताओ सर, देख लो भैया एग्जांपल, NiCN4 चार्ज है 2- फिर से निकले सर ओके 28, फिर से प्लस 2 का स्टेट है ओके 4s2 3d8 सर कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, डायमैग्नेटिक, क्या कराऊं, फोर्स पेयरिंग हाँ देखो इंग्लिश लिखी हुई है भैया, कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक हेंस फोर्स पेयरिंग विल टेक प्लेस, फोर्स पेयरिंग करा दिए तो कैसे कराए सर, अरे यार एक ठो घुसा दो अंदर, चल घुस जा, घुस गया, इससे क्या हो गया एक डी खाली हो गया, एक डी खाली हो गया तो कम एनर्जी तो 3d की होती है, तो एक डी एक एस और कितने पी, दो ठो, क्यों सर, अरे चारे ना आ रहे हैं, चारे घर चाहिए, हेलो तो 4d sp2 ho मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अब चार तो आ गए सर, अब सर ज्योमेट्री क्यों चेंज हुई, अब देखो बच्चों जब 6 लोग आ रहे थे तो बच्चों 6 लोगों को बेस्ट पॉसिबल 6 न्यूक्लियसेस को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अगर अरेंज करना है तो प्रैक्टिकल सच्चाई भी है, कॉमन सेंस से शायद समझ भी आना चाहिए कि भाई 6 लोगों को अरेंज करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका एक है, क्या ऑक्टाहेड्रल, हेलो अच्छा मतलब सब लोग एक दूसरे से 90 डिग्री पे, 4 लोग जब आते हैं तो उनको अरेंज करने का तो सिस्टम है सर 109 डिग्री 28 मिनट, भाई सेंट्रल ये एक इधर एक ये नीचे बेस में ट्रायंगल, लेकिन बच्चों ये बताओ अगर कॉम्प्लेक्स फोर्स्ड पेयरिंग से बन रहा है तो जो सेंट्रल एटम होगा आपको नहीं लगता उसमें लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी, भाई पेयरिंग करा रहे हो तो लोन पेयर जनरेट कर रहे हो एक्स्ट्रा, हेलो हेलो अच्छा जनरेशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम, आपको नहीं लगता वो थोड़ा सा लोन पेयर रिपल्शन प्रभावी करेगा, हेलो अच्छा तो अगर लोन पेयर रिपल्शन इतना प्रभावित हो रहा है और उसकी संख्या भी बढ़ रही है तो आपको नहीं लगता ये जो उठा हुआ है ये दबाव महसूस करेगा, ये और अगर ये दबाव महसूस करेगा तो लोन पेयर से ये चारों भागेंगे क्योंकि हर बॉन्ड तो एक समान होता है ना टेट्राहेड्रल में, अच्छा लोन पेयर से सारे भागेंगे तो आपस में उनको अरेंज होने का बच्चों सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा कि लोन पेयर क्लाउड को ऊपर रहने दो, हम लोग आओ नीचे जम जाएं और नीचे किसी एक प्लेन को अक्वायर कर लें, मतलब कुछ ऐसा, लोन पेयर्स को रहने जे जहां उनको रहना है, मेरी बात समझ रहे हो क्योंकि सर 3 dimensional भाई स्क्वायर प्लेनर तो एक 2 dimensional फोटो हो गई, तो एक प्लेन हमने एक्वायर कर लिया, बाकी पूरे 3d में रहने दो ना, घूमने दो उनको, तो एक्चुअल सच्चाई है बच्चों ये ओरिएंटेशन ये प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया तो ये सच अक्वायर भी कर रहा था, तो उसका हम रीजन ये कहते हैं कि फोर्स पेयरिंग के कारण लोन पेयर रिपल्शन बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, हेलो हाँ
तो जब भी आप DSP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखेंगे, जो शेप होगा इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। हेलो, नेक्स्ट। आगे बढ़ के कहानी आती है कि अच्छा, अगर इतना सब कुछ हो गया तो मतलब बढ़िया है सर, चैप्टर खत्म करो। नहीं बेटा, क्या दिक्कत आई किसको? VBT को भी क्या दिक्कत आई कि VBT में भी कुछ लोगों ने, कुछ दुनिया पहले तो खुश हो गई, फिर दुनिया ने VBT ने पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए। क्या प्रश्न चिन्ह लगाए? लिमिटेशंस पढ़ते हैं, उसके बोर्ड में लिखने को भी आते हैं एक नंबर के। सबसे पहला लिमिटेशन है बच्चों, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस एंड डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात इसने कह दी, ये बहुत सारे अजम्पशंस लगा रहा है। बहुत सारे अजम्पशंस पता है क्या? अगर आप देखो बेटा, हमने किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तब बता पाया है जब हम आपसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे थे। बिना मैग्नेटिक बिहेवियर बताए हम नहीं बता पा रहे थे ना। हेलो भाई, फोर्स पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका सारा ये ज्ञान उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के डेटा पे डिपेंड कर रहा था। हेलो, अच्छा। दूसरी चीज, एक्चुअली जब मैग्नेटिक बिहेवियर हम देखने जाते हैं तो इसके बाद भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं बेटा जो कि हमको प्रिडिक्ट करने में, हालांकि मैंने जो एग्जांपल बताया वो एकदम बोर्ड मेंस तक आपकी कहानी एकदम सेट है, पर एक्चुअली बच्चों इसके कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। तो एक्चुअली मेन सच्चाई, वैसे आपको देसी भाषा में बोलूँ तो VBT बहुत सारे डेटा मांग रहा था, कहते हैं सबाई कुछ पूछ लिया तो बताई कर दें भाई, तुम नॉर्मली बताओ, तुम मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हो, इतना सारा अजम्पशन मत करो, है ना। तो एक्चुअली ये मेन दिक्कत आई, ये थ्योरेटिकली अपन ने लिख भी दिया, सबसे पहला रीज़न आ। ये अब कुछ कहानियां करने वाले, अब जब कोई गलत हो जाता है तो उंगली उठाने वाले बढ़ जाते हैं, तो मेन बात यही है। अब आगे बेटा, लोगों ने कहा भैया तुम आगे जो थ्योरी जिसने एक्सप्लेन कर दिया ना, वो और भी बातें कह गई थी क्या? वो ये भी बताने लगी थी, जैसे अपन ने वर्नर में भी लिखा था ना कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, भाई क्यों कलर है, दिखाते हैं नहीं दिखाते, आगे वाली थ्योरी बताने लग गई है। ये भी नहीं बता पाया, तो लिखा है कि डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटिंग बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, कलर क्यों दिखाते हैं, मिला क्या? नहीं, तो दूसरा लिमिटेशन ये होगा। तीसरा लिमिटेशन ये है कि भैया जो आगे आने वाली थ्योरी है, जो एक्चुअली ढंग से बता पाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, उसने ना कंबाइनिंग लिगेंड्स को दो हिस्सों में बांट दिया, बोला गया ये लिगेंड वीक है, ये लिगेंड स्ट्रांग है। तो लिगेंड का, यानी कि कंबाइनिंग एटम जो लोन पर देने आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ का कैरेक्टराइजेशन VBT ने नहीं किया था, जो आज की तारीख में है हमारे पास। तो आज की तारीख में है, तब नहीं था, बोला अरे वो तो बता ही नहीं था ये, तो वो भी लिमिटेशन हो गया क्या? इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रांग लिगेंड्स। अब ये क्यों होता है सर, ये आगे देखेंगे, पर ये नहीं कर पाया, तो इसका लिमिटेशन है। आगे बढ़ो मैं नेक्स्ट। अब VBT के लिमिटेशन को दूर करने के लिए आई जो थ्योरी, उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत जरूरी, इसको CFT भी कई लोग लिखते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है उस पर बात करते हैं। ये शायद मैं आपको डी ब्लॉक में बता ही चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ, पहले हिंदी सुन लो बेटा। बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि देखो, VBT तो क्या मान रही थी, VBT मान रही थी मेटल और लिगेंड्स के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट, क्यों, वो तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग ये सब की बात कर रही है, तो सर इससे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनका इसी तेजी का उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड नो आए कैन, फिर कौन सा बॉन्ड है कैन? देखी जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, जो सेंट्रल एटम है वो कौन है हमेशा? मेटल। मेटल इज नोन टू हैव व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो मेटल अकॉर्डिंग टू देम एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। हेलो, लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज, एंड प्लस और माइनस के बीच में एक ही चीज हो सकती है, दैट इज कूलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हेलो, हेलो, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहानी पलट दी, उसने कहा देखो भैया ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपस में साथ रह रहे हैं ना, इसलिए साथ रह रहे हैं क्योंकि इनका प्लस माइनस का अट्रैक्शन है। आइए इंग्लिश पढ़ें, कहा भैया प्लस माइनस अट्रैक्शन बतावा,
पॉइंट क्रमांक एक कहता है सी एफ टी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसिडर मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक. इन दिस मॉडल लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस और डाइपोल्स. मतलब मेटल पॉजिटिव है ही, जो आने वाले लिगेंड्स हैं उनको कई बार पॉइंट चार्ज बोला, कई बार डाइपोल बोला. क्यों भाई? कई बार मान लो कोई लिगेंड आ रहा है H माइनस, तो एक केंद्रीय है बस. और कई बार लिगेंड आ रहा है अमोनिया होता है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल. हेलो, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल तो एक डाइपोल लेके आएगा ना भाई. ये हो जाएगा माइनस, ये छोर हो जाएगा प्लस. हाँ मतलब ये अपने माइनस से ही देगा, पर मतलब समझ रहे हो ना, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज नहीं भी हो सकता है, एक डाइपोल भी हो सकता है. हाँ इलेक्ट्रॉन रिच है माइनस की तरह है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. ये पॉइंट चार्ज वाली बात भी मैं जान के समझा रहा हूँ, क्योंकि शायद आप थोड़ा बहुत फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने गॉस लॉ के बारे में जाना होगा. उसमें आपने ये जाना होगा कि गॉस लॉ तभी लगा सकते हो जब कोई भी चार्ज जो है उसकी फील्ड कैसी होती है, सिमेट्रिकल. हेलो, आप केवल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ लगा सकते हो. हेलो, आड़ी टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी इलेक्ट्रिकल फील्ड में गॉस लॉ नहीं लग सकता, लिमिटेशन है उसकी. एग्जैक्टली उसी आपका जो आपको यूनिफॉर्म शब्द याद है, उस यूनिफॉर्म शब्द को ही मैं यही कह रहा हूँ, सिमेट्रिकल. हेलो, अरे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर आए, सिलेंडर आए. हेलो हेलो, यही है आए ना यूनिफॉर्म. हेलो, अरे हेलो, नहीं बोल रहा, चलो छोड़ो. हाँ तो सिमेट्रिकल ना है, सर्कल भी सिमेट्रिकल है अबाउट दिस पॉइंट, सिलेंडर इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट, यू कैन ब्रेक इट इंटू टू हाफ्स, तो सिमेट्रिकल है ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे. तो वैसे ही आप लिगेंड्स को हम पॉइंट चार्ज भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता. नहीं होगा तो क्या पंचायत हो जाएगी, देखेंगे. देखो एक्चुअली गॉस लॉ, ये जो यूनिफॉर्मिटी है जिसको आप लोग यूनिफॉर्मिटी कह रहे हो, ये खत्म हो जाती है फील्ड की. आइए देखते हैं कैसे. पहले हिंदी समझ ले, पॉइंट क्रमांक दो. दूसरा पॉइंट कहता है जो 5d ऑर्बिटल होते हैं ना ऑफ आइसोलेटेड मेटल आयन हैव सेम एनर्जी एंड आर ट्रीटेड एज डीजनरेट ऑर्बिटल. हमें पता ही है जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं डी ब्लॉक के, जो मेटल के, हमको सबका पता है उन सबकी एनर्जी सेम होती है, और जिनकी एनर्जी सेम होती है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल आर इंग्लिश में नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स. तो बोला, कहता है जब उन वाक्य में जब मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसके पांचों को पांचों डी ऑर्बिटल जो कि एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन में, कहता है उनकी एनर्जी वाक्य में सबकी बराबर होती है, सबका शेप साइज बराबर होता है, सब डीजनरेट होते हैं. लेकिन वही कह रहा है, व्हेन द अनसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन, मतलब हमेशा तो नहीं है लेकिन कभी भी आने वाला जो चार्ज है ना, वो अगर पॉइंट चार्ज नहीं हुआ, अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं हुआ भाई, वो कोई डाइपोल हुआ या कोई वो अजीब सा, भाई लिगेंड्स तो कितने अजीब अजीब बनने देखे, तो कोई अगर वो अनसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड के साथ कोई लिगेंड आ रहा है, तो अनसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड के साथ जब वो पॉजिटिव के पास अप्रोच करेगा ना, तो एक्चुअली ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ना उनकी डीजेनरेसी यानी कि सिमिलर एनर्जाइज होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्प्लिट कर जाएगी, टूट जाएगी. क्यों मैं बताता हूँ, पहले इंग्लिश पढ़ दूँ. कहता है व्हेन द अनसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड अप्रोचेज द मेटल आयन कॉमा द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लिफ्टेड विच रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. अब आइए थोड़ा सा इसको मैं और हिंदी में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, हालांकि मैं डी ब्लॉक में कर चुका हूँ, फिर से कर देता हूँ. देखो जैसे भैया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताई जा रही है, लेकिन स्प्लिटिंग भी अलग अलग केसेस में होती है. हम पहले ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब चाहे तुम D2SP3 हो या SP3D2 हो, तुम इसी को फॉलो करोगे. देखो मान लो ये डी ऑर्बिटल हैं आइसोलेटेड गैशियस मेटल आयन के, मतलब आपका जो डी ब्लॉक का मेटल था वो अकेला कोई कैटायन है और उसके डी ऑर्बिटल, हाँ सबकी एनर्जी बराबर हो. देखो मैंने एनर्जी वाई एक्सिस में सबको लगभग साथ में बना दिया, सबकी एनर्जी लगभग बराबर है. अच्छा अब कभी भी कंबाइनिंग एटम उसके पास आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंबाइनिंग एटम मतलब लिगेंड आएगा इसके पास, तो ये भाई एक जगह पे दो लोग आ गए तो एक्साइट तो होंगे ही, एनर्जी तो बढ़ेगी. तो देखो एनर्जी बढ़ रही है,
एनर्जी, लेकिन बढ़ा भी मैं कैसे दिखा रहा हूँ कि सबकी बढ़ के, जैसे सबकी मान लो 5-5 रुपए थी, अब सबकी 10-10 रुपए हो गई। मैंने एनर्जी अभी भी सबकी साथ ही बढ़ाई है, लेकिन एनर्जी सबकी बराबरी से पता कब बढ़ेगी बेटा? देखो लिखा है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन अनसिमेट्रिकल फील्ड। हेलो हेलो, नहीं नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए इन सिमेट्रिकल फील्ड, इन सिमेट्रिकल लिखना चाहिए बच्चों। एवरेज एनर्जी, अगर मान लो सब के सब डी ऑर्बिटल्स के पास बराबरी से लोग आए, सिमेट्रिकल फील्ड एक पॉइंट चार जैसा आए, तो सबकी एनर्जी बराबरी से बढ़ेगी। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि आने वाला एक्चुअली सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, आने वाला तो न्यूक्लियस के साथ आ रहा है ना। हेलो, अरे आने वाला कोई ग्रुप है ना, अलग से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा? आ तो सर कोई लिगेंड रहा है, वो लिगेंड में कौनों का न्यूक्लियस भी तो हुई। हाँ, वो अपना इलेक्ट्रॉन का छोर लेके आ रहा है, लेकिन आ तो प्लस हो रहा है। तो उसकी जो फील्ड होती है आने वाले लिगेंड की, वो एक पॉइंट चार्ज नहीं है, तो उसकी फील्ड अनसिमेट्रिकल होती है। अच्छा, उससे हो क्या जाएगा? आइए देखें, उससे ये जो डी है ये आपस में लड़ जाएंगे। क्यों? घर में किसी भी बाहर वाले के आने से जैसे घर में लड़ाइयाँ क्रिएट हो जाती हैं, वैसी ही कोई बात है। क्यों? क्योंकि आने वाला केवल अपना प्रेम लेके नहीं आता। एवरीथिंग हैज़ डे एंड नाइट, बुराइयाँ एंड अच्छाइयाँ, है ना, संभव ही नहीं है। तो वही वाली बात है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल लिगेंड आया, जो कि अनसिमेट्रिकल फील्ड ही होगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो आ ही नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं, तो फील्ड स्प्लिट होगी। अब क्यों स्प्लिट होगी? मैं डी ब्लॉक में भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी शायद मैंने आगे शेप बनाए होंगे, पहले मैं आपको शेप दिखा दूँ। ऐसी तैसी यहाँ शेप नहीं बनाया मैंने, छोड़ो, आपने डी ब्लॉक में बनाए होंगे। आपको पता है जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, उन 5 के 5 में 3 के शेप कैसे होते हैं? 3 के शेप कैसे होते हैं? जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो डी ब्लॉक का मेटल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ लाए करते हैं? इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, याद है, DXY, DYZ और DZX। इन्हें हम कहते हैं T2G सेट। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस लाए करते हैं। और 2 ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल के, डी सबशेल के 2 ऑर्बिटल हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस लाए करते हैं। अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब जैसे ये होता है एक्स और वाई एक्सेस के अलोंग अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाए करेंगे तो ये कहलाएगा DX2Y2, याद है? Yes, sir. और जेड एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाए करेंगे, और ये एक्स वाई प्लेन में एक सैटर्नियन लोब रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स वाई प्लेन में भी है और जेड एक्सिस में भी है, तो इसे कहते हैं DZ स्क्वायर। हेलो, अच्छा अब बताओ आने वाले आ कैसे रहे हैं? सर अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो सेंट्रल एटम ये है, आने वाले कहाँ से आ रहे हैं? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, ऐसा ही है ना? हेलो, अच्छा तो ए के वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ए के वो माइनस जो डायरेक्टली इस इनके इलेक्ट्रॉन से सामना करेंगे, उनको रिपल्शन ज़्यादा महसूस होगा। हेलो, अच्छा तो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स के लोब आते हैं? DX2Y2 और DZ स्क्वायर। हेलो, लेकिन आप खुद बताओ अल्टीमेटली ये आ तो रहे ही हैं कि नहीं आ रहे? ये तो आ ही रहे हैं। मतलब A के वो इलेक्ट्रॉन्स जो इनसे मुकाबला कर रहे होंगे, इनको मना कर रहे होंगे, ऑब्वियसली उनको ऊपर भेजा गया है, तब ना खाली हुए हैं। हेलो भाई, जगह तो खाली की होगी ना उन इलेक्ट्रॉन्स ने, उन ऑर्बिटल्स ने, तो ऑब्वियस ही बात है अपनी जगह खाली की होगी, तब ना ये आए हैं। अच्छा मतलब सर उनको आपको ज़्यादा मनाना पड़ेगा कि भैया आने दो, क्योंकि आप बन तो रहा ही है, मतलब वो माने तो हैं ही, मतलब उनको हमने मनाया है, मनाया मतलब हाई एनर्जी दे के वहाँ से खाली कराया है। वही बात यहाँ पे है कि स्प्लिट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, और एनर्जी बढ़ किसकी जाती है? वो 2 की, जिसे हम कहते हैं ईजी सेट। देखो फोटो बनी हुई है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको मैं, ये देखो। अगर सिमेट्रिकल फील्ड होती आने वालों की, एनर्जी सबकी लिफ्ट होती लेकिन बराबरी से, पर होता क्या है, वो स्प्लिट हो जाती है।
स्प्लिट कैसे हो जाती है, ये दो की एनर्जी बढ़ जाती है, ये तीन की घट जाती है। हेलो, यस सर। अच्छा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये जो दो की एनर्जी बढ़ी है, ये कैसे बढ़ी है, ये बाकी तीनों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो 3/5 टाइम्स बढ़ी है। किसकी? डेल्टा नॉट की। क्या है डेल्टा नॉट, बता रहा हूँ, इनकी जो घटी है कितनी घटी है, ये जो उनको मिली है इनकी घटी है, 2/5। ये ऐसे याद करने का तरीका है। और एक्चुअली बच्चों, ये सेट और ये सेट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा नॉट से, और ये कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या सिंपली क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। कोई तकलीफ? अच्छा, तो मैंने एसईआरटी में देखा था, तो ये उल्टा दिया हुआ है। नहीं बेटा, वो आपने दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखा होगा, अभी थोड़ा सा सब्र करिए, आपको मिल जाएगा वो। फिलहाल इतनी बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो गई बच्चों, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। क्यों? क्योंकि इनके लोब आने वाले लोगों से पंचायत नहीं कर रहे हैं। किस केस में? ऑक्टाहेड्रल केस में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ओ भी लिखाया हुआ है। अच्छा, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है, ये इसको बोलते हैं बच्चों बेरी सेंटर। ये जो ये व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, अगर फील्ड सिमेट्रिक होती तो, है ना। हेलो, तो मतलब आप बेरी सेंटर छोड़ो, आप सेंटर पकड़ो, मतलब इनकी जो एवरेज एनर्जी है उसका अगर डेल्टा नॉट को देखो, तो ऊपर होगा 3/5 और नीचे होगा 2/5। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। अच्छा, इससे क्या हो गया सर, इससे आप वो वीबीटी का लिमिटेशन कैसे दूर करोगे, बता रहा हूँ, सब्र करो। आगे, नेक्स्ट, आगे की कहानी लिख रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में हम कह रहे हैं, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द स्प्लिटिंग इन डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, पता ही है, बता चुका हूँ। विच यील्ड 3 orbitals ऑफ लोअर एनर्जी, 3 कम के, कॉल्ड T2G सेट, एंड 2 orbitals ऑफ हाई एनर्जी कॉल्ड EG सेट। ये तो इंग्लिश लिख दी है वो बात की, कोई तकलीफ? नो सर। अच्छा, आगे की इंग्लिश कहता है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना डेल्टा नॉट, ये डिपेंड करती है डिपेंड अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड। ऑब्वियसली बात है, ये लिगेंड की फील्ड, मतलब लिगेंड की औकात, लिगेंड की फील्ड की ताकत पे डिपेंड करती है। एंड अ सीरीज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डिजाइंड फॉर लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। देखो बेटा, आने वाला कितनी शक्तिशाली, कितनी प्रभावी फील्ड लगा रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। और ये जो स्प्लिटिंग होने की वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई, और डिटरमाइन करके जो लिगेंड्स थे ना, उनको कैटेगराइज कर दिया गया कि भैया तुम्हारी सबसे ज़्यादा तुम स्प्लिटिंग करा रहे हो, तुम कम, और ऐसे एक सीरीज बना दी गई जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आपको पूरी नहीं याद होनी चाहिए, मोटी मोटी याद होनी चाहिए। मोटी मोटी ये है जो आप बनी हुई है, इतनी आपको बोर्ड अमेंस तक याद होनी चाहिए। आपके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो कौन है? CO, फिर CN-, फिर एथिलीन डायमीन, फिर अमोनिया, फिर पानी, फिर OH-, फिर F-, और सबसे कम होज I-। अच्छा, उसमें उसमें बच्चों हम बीच वाले को मान लेते हैं, यानी कि पानी को हम मान लेते हैं बीच का। पानी के जो इधर हैं उनको हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग, और पानी के जो इधर हैं उधर मानते हैं वीक। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा कुछ ऐसा प्रमाण देता है। इतनी बात राइट है सबको, ये बोलो पहले। यस सर। जो स्ट्रांग है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएंगे, जो वीक है वो स्प्लिटिंग कम कराएंगे। आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। चलो बेटा, तो जो स्ट्रांग है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएंगे, जो वीक है वो स्प्लिटिंग कम कराएंगे, पर स्प्लिटिंग कराएंगे सब। अब सर, ज़्यादा कम से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आइए देखते हैं। कहता है रोमन नंबर 3 में, कहता है आफ्टर फिलिंग, मतलब भरने के बाद, 3 electrons इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, कॉमा, टू पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराइज फॉर द 4th electron। कहने का अर्थ है कि भैया मान लो तुमने, जैसे फ्लिटिंग तो होगी, अच्छा होने के बाद अब जब तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा तक तो ठीक है,
चौथा जब भरोगे तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। क्यों सर तीन भरने में क्यों ठीक है देख लो, पहले नॉर्मल वाइट बोर्ड में देख लो भाई। हमको पता है सर अब डी ऑर्बिटल जब लिगेंड आया तो सर लिगेंड कोई पॉइंट चार्ज तो होता नहीं, अनसिमेट्रिकल फील्ड होती है तो स्प्लिटिंग होगी सर। अच्छा स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्टाहेड्रल तो बन ही रहा है सर, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा भैया, तीन ऑर्बिटल्स डी के आ जाएंगे नीचे और दो आ जाएंगे ऊपर, मतलब दो की एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा अब बच्चों अफबाउ रूल क्या कहता है, अफबाउ रूल कहता है पहले उस ऑर्बिटल को भरो जिसकी एनर्जी कम है। अच्छा तो किसको भरें, ई जी सेट को भरें कि टी टू जी को भरें, सर एनर्जी टी टू जी की कम है तो उसको भरो, ठीक है भरो एक। दूसरा कहाँ भरें भैया, फिर हुंड रूल आ गया, हुंड रूल कहता है पेयरिंग तब तक मत करो जब तक एक एक ना भर जाए, तो लो दो और तीन, तो तीन तो सर बिना किसी डाउट के भर लिए। अब बच्चों जब चौथा भरोगे ना तो एक्चुअली दो केस आएंगे, दो केस पता क्यों आएंगे, दो केस इसलिए आएंगे कि आप कहोगे सर आप केस क्यों आने, आप तो यहीं भर दो सर। बच्चों अगर तुम यहाँ भर भी दोगे ना तो ये बताओ अल्टीमेटली एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे ना। अच्छा तो सर क्या दिक्कत है, अरे यार एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आने से वैसे तो बहुत अच्छी बात है, पर एक्चुअली एक घर में जब दो लोग रहते हैं तो ठीक है पेयरिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेयरिंग होने से कुछ ठीक है गर्दन नहीं काटते एक दूसरे की, जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी बर्तन तो खनकते हैं ना भाई, कुछ रिपल्शन तो होता ही है ना। अच्छा मतलब सर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाने से भले ऑपोजिट स्पिन के साथ जाएं, लेकिन फिर भी अगर अकेला रहता तो ज़्यादा ना बेटर था भाई, पेयर करने में एनर्जी तो लगेगी ना कुछ, इसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा तो पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी को अगर मैं कह दूं पी, और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को मैं कह दूं डेल्टा नॉट। बच्चों ये डेल्टा नॉट पी से कंपेयर हो किया जाएगा, क्यों सर मान लो ये वैल्यू बहुत छोटी है, किसकी डेल्टा नॉट भाई, स्प्लिटिंग हो रही है तो पक्की बात है, लेकिन अगर स्प्लिटिंग बहुत नगण्य हो रही है, किससे नगण्य, पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी से, तो खुद बताओ बच्चों दो रेजिस्टेंस है आपके पास, वही वाला फिजिक्स का सवाल, दो रेजिस्टेंस है आपके पास और करंट आ रहा है यहां से, ये रेजिस्टेंस है एक ओम का, ये रेजिस्टेंस है दस ओम का, आप बताओ ये एक एम्पियर का करंट दस गुना यहां से जाएगा कि थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से, नीचे से नहीं जाएगा, नीचे से बेटा बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बात मालूम है ना। अच्छा सगला करंट यहीं से बह जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे ना जाएगा, मालूम है। एक्चुअली ये बात यही है कि हम वही काम करना हमको पसंद है जो आसानी से हो जाए, क्योंकि जाना तो यही है ना, तो हमारी साइकोलॉजी हमको गधा बना देती है जब हम स्मार्ट वर्क करना बंद कर देते हैं, हम लगे रहते हैं मेहनत कर रे बाप रे, और हम घोड़े बन जाते हैं, नहीं गधे बन जाते हैं। हेलो मेहनत खूब लगेगी, एहसास भी होगा कि आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन आपका काम नगण्य अगर ऐसा करो तो, मजदूरी है, वेरी गुड। हाँ तो अब पॉइंट क्या है बच्चों, वही वाली बात है कि सर अगर डेल्टा नॉट का वैल्यू बहुत कम है तो हम पेयर करने की भी मेहनत क्यों करें, हम चौथा इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही भेज दें, हेलो आसान है ना। अरे इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो भी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब उसमें इतनी समझ है ना। अच्छा तो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी स्मार्ट है कि जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहां से निकल जाती है, बाकी देखती भी नहीं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट है मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज सम स्मार्टनेस, अच्छा ईश्वर ने दी उसको, तो वो स्मार्टनेस से वो ऊपर चला जाता है। अच्छा क्यों, क्योंकि डेल्टा नॉट का वैल्यू काफी कम है, उसको पेयर करने में ज्यादा मेहनत लग रही है, ये हो गई चौ। अब उल्टी बात अगर डेल्टा नॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर डेल्टा नॉट का वैल्यू सर बहुत ज्यादा है तो वो नीचे ही पेयर हो जाएगा। अब आइए देखें, देखो भाई इंग्लिश पढ़ा दूं आपको मैं एक बार, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो कहता है टू ऑप्शंस हैं, ए क्या है,
ए कहता है अगर डेल्टा नॉट बहुत छोटा है पेयरिंग एनर्जी, देखो पी लिखा भी है, लिखा हुआ है पेयरिंग एनर्जी, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एन ऑर्बिटल। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, मतलब कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, T2G3EG1। हेलो, यस सर। अच्छा, जब भी डेल्टा नॉट बहुत छोटा होगा, आज से ऐसे लिगेंड्स को हम वैसे तो सीख ही चुके हैं वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, उल्टी बात यह है कि कहता, अच्छा लिखा भी है, देन इट बिकम्स मोर फेवरेबल फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई द ईजी ऑर्बिटल गिविंग कन्फिग्रेशन। अच्छा, उसने पूरी मेरी बात को इंग्लिश में लिख भी दिया है, T2G3EG1। अच्छा है, सच लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा नॉट छोटा होता है आर टर्म्ड एज वीक फील्ड लिगेंड। दूसरा केस, केस टू कहता है बी इफ डेल्टा नॉट ज्यादा है तो लिगेंड को कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कहता है देन द कन्फिग्रेशन विल बी T2G4EG0, क्योंकि हमको यही आसान लगेगा, एंड सच लिगेंड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बात करते हैं इतनी बात समझने के बाद एग्जाम्पल्स में, तो हम एग्जाम्पल्स वही रिपीट करेंगे जो हमने आपको पिछले पढ़ाए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी थी, d2sp3 भी थी, लेकिन हमने कह दिया था फोर्स पेयरिंग हो गई, और फोर्स पेयरिंग हमने किसका उल्लंघन कर दिया, हुंस रूल का। हुंस रूल किसका हिस्सा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन से मॉडल का, क्वांटम मॉडल का। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो किससे बनी, क्वांटम मॉडल से ही वो आगे डेवलप हुई। तो तुम जिससे बने तुमने उसी को गलत बोल दिया, अपने बाप पे ही तुम गलती निकालने लगे तो VBT तो चाट ही गई, देख लो। इसलिए बाप के किए हुए काम को डाउट नहीं उठाना चाहिए। तो VBT ने कहा हुंस रूल का उल्लंघन हो जाएगा, अरे तोर बाप ने उसी से अपना थ्योरी बनाया है और तय कह रहे हो खर उल्लंघन हो जाएगा, नहीं उसका उल्लंघन नहीं हुआ। कैसे, देखिए कोबाल्ट है 6 अमोनिया है प्लस 3 है, कोबाल्ट प्लस 3 3D6 याद है ये। हेलो, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, नहीं मैं आपको सीधा कह रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं अमोनिया एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, क्यों लिस्ट देख लेना, अमोनिया को पानी से राइट स्ट्रांग में रखा हुआ है। हेलो, अगर अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या कराएगा, तेज की कमजोर, तेज। अगर तेज कराएगा तुमको 6 भरने हैं तो क्या करोगे सर, पहला दूसरा तीसरा, डेल्टा नॉट ज्यादा है तो 4 5 6। हेलो, कुछ उल्लंघन हुआ, नहीं सर, आफबाऊ हुंस सब सही है। लेकिन अब देख लो जो इसका कोबाल्ट का 3D6 स्टेट है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, नहीं, इसका बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। हेलो, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, चलो समझ में आती है सर, ये तो वो हो गया डायमैग्नेटिक हो गया। अच्छा, डायमैग्नेटिक हो गया तो सर 2D खाली भी है इसके ईजी सेट वाले, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, D2SP3। मैग्नेटिक में नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, बताया पूछा नहीं है, बता रहे हैं। नेक्स्ट, अगला जो एग्जांपल था इनर ऑर्बिटल वाला किसके साथ था, फ्लोरीन के साथ था। फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो D6 में क्या होगा सर, वीक है तो पहला, मैं लिख देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा, क्यों, क्योंकि सर लिगेंड वीक है, डेल्टा नॉट बहुत कमजोर है। अच्छा, लेकिन भरने 6 हैं तो ठीक है ना, अब ये वाले भर गए, अब तो हमारे लिए कायदे से भले हमने ऊपर ऊपर बनाया है पर इनमें स्प्लिटिंग बहुत कमजोर है, तो मैं तो लगभग इनको सिमिलर एनर्जाइज नहीं मान रहा हूँ इसका अर्थ है। तो फिर अब छठवां कहाँ जाएगा, अब पेयरिंग करो सर। तो इस केस में कन्फेशन क्या हो गया बच्चों, एक सेकंड रुकिएगा बेटा,